गाइस यार ये देखो हमारी $1 की सबसे घटिया कार, यार देख रहे हो कितनी ज्यादा छोटी है, और वहां देखो वहां मिल रही एक $100 million की कार। ओ भाई साहब यार वो देख रहे हो वहां पर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है एक $100 million की कार। गाइस यार वो कार मुझे किसी भी हालत में चाहिए। हे अमनू। हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें? आमनू मुझे वो $100 million वाली कार चाहिए। $100 million लाए हो क्या? नहीं आमनू। तो तुम ये $10 वाली गाड़ी ले सकते हो। तो चलो गाइज यार यहाँ पर मैंने ले लिए ये $10 वाली मिनी कार। गाइज यार कितनी छोटी है यार, मैं तो इस गाड़ी में से बाहर निकला हुआ हूँ। चलो गाइज यार अब मुझे यार पैसे कमाने होंगे जिससे हम लोग यार वो $100 million वाली गाड़ी ले सके, क्योंकि यार हमारे पास जो $1 वाली गाड़ी थी वो तो बहुत ज्यादा बुरी थी। मेरे पास इतना ज्यादा पैसा हो चुका है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, जो मेरे मन में आए मैं वो खरीद सकता हूँ, क्योंकि कल रात को ही मैंने एक बैंक लूटा है, मेरे बाद बहुत सारा पैसा आ चुका है, ऊपर से मैंने जो शेयर्स बेचे थे उसमें भी बहुत सारा पैसा मिला मेरे को। गाइस यार मैं इस गाड़ी का क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, इस गाड़ी से मैं कैसे पैसे कमाऊंगा यार, कैसे लूंगा अगली गाड़ी। इस गाड़ी का कोई तो काम होगा यार, तुम लोग बताओ आखिर मैं इस गाड़ी से करूं तो करूं क्या, मुझे तो सही में बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अबे ये कौन आदमी भाग रहा है पागलों की तरह? ओए कहां जा रहा है, हट इधर ऐसी जैसी। ओए क्या कर रही है भाई? ओए इसके पास कितना सारा पैसा है यार। ओए पैसा लेके कहां जा रहा है तू? अरे बिल्लू तेरी तेजी। ओके तो गाइस यार उस बंदे से मुझे मिले पूरे $10,000। हाय मेरे को $10,000 वाली गाड़ी दे दे जल्दी से यार, प्लीज जल्दी जल्दी, मैं $10,000 लेके आ चुका हूँ। अरे तुम तो बड़े खतरनाक हो, तुमने इतनी जल्दी $10,000 का भी जुगाड़ कर लिया। अरे मैं क्या ही बताऊं, चलता फिरता एक आदमी मिला था जिसके पास बहुत सारा पैसा था। अच्छी बात है, ये रही तुम्हारी टीवी कार। भाई ये टीवी कार क्या है? वो तुम जानो, पर ये $10,000 की है। गाइस यार इस गाड़ी से आखिर मैं कैसे पैसे कमाऊंगा यार, पिछली बार तो एक आदमी मिल गया था जिसको टक्कर मारने से पैसे मिल गए थे, इस बार हर बार थोड़ी कोई आदमी मिलेगा जिसको टक्कर मार के पैसे ले लूंगा। गाइस यार ये नई वाली गाड़ी है ना लिटरली एक टीवी है, चलता फिरता देख रहे हो इसके ऊपर कितना बड़ा वाला टीवी लग रहा है यार, जमी पता ही नहीं यार कितनी कमाल की चीज है। ब्रो है कौन है? ब्रो पीछे वापस घुमाओ गाड़ी। अबे कोई बोल रहा है यार मेरे को? आ भाई क्यों तुम ही बुला रहे हो क्या मेरे को? हाँ भाई मैं ही बुला रहा हूँ, इधर आओ जल्दी सी। हाँ क्या भाई साहब क्या चाहिए आपको? अरे क्या तुम मेरी मदद करोगे? बोलो क्या मदद करनी है? क्या तुम मेरे को अपने टीवी पे स्मितोपी एक्स्ट्रा की नई वाली वीडियो दिखाओगे? क्यों भाई जरूर जरूर। हाँ मैं उसके बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगा। ओए भाई यार इसके पास तो काफी सारा पैसा है। ठीक है मैं भी चला देती हूँ स्मितोपी एक्स्ट्रा की नई वाली वीडियो। जल्दी वाह स्मितोपी एक्स्ट्रा की नई वाली वीडियो, मजा आ रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और स्मितोपी एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मस्त मस्त वीडियो देखने के लिए। वाह मजा आ गया, शुक्रिया दोस्त। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। चलो गाइस यार मेरे कितने सारे फैंस है यार मेरी वीडियोस देखने के लिए, मेरे को पैसे दे रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो गाइस यार अब चलते हैं जल्दी से यार, ये तो काफी अच्छा बिजनेस हो सकता है, अगर मुझसे और कोई टीवी यूज मिले तो मैं और भी अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। चलो गाइस यार देखते हैं, आप किसी और को भी टीवी देखना है क्या? गाइस यार अभी तक मेरे को कोई बंदा नहीं मिला जिसको टीवी देखना हो। कोई बात नहीं यार हम अभी स्कूल की तरफ जा रहे, कोई ना कोई बच्चा तो मेरे को पक्का ही मिल जाएगा। अरे क्या चाहिए लड़की तेरे को? अरे अंकल रुको। क्या हो गया? अंकल मैं आपको मेरी सारी पॉकेट मनी दे दूंगी अगर आप अपने टीवी के ऊपर बारबी चलाओगे तो। क्या बारबी? हाँ अंकल आप बारबी चलाओगे ना? हाँ क्यों नहीं। हाँ शुक्रिया आपका, आप मेरी सारी पॉकेट मनी ले लो पर मेरे लिए बारबी चला दो टीवी पर, ये रही मेरी पॉकेट मनी। ओके ठीक है मैं चला दूंगा। शुक्रिया अंकल आपका बहुत ज्यादा। हाँ शुक्रिया की क्या बात है, तू मेरे को पैसे दे रही है। अरे वाह बारबी कितना अच्छा लगता है मेरे को बारबी देखना, मजा आ रहा है मेरे को तो बारबी देखने में बहुत ज्यादा। ओह वाह कितनी सुंदर है बारबी। I'm a Barbie girl in the Barbie world. It's fantastic. चल लड़की बस टाइम ओवर, इतने पैसे में इतनी देर देखने दूंगा। हाँ अंकल बहुत है, मुझे मजा आ गया, अब मैं बोर भी नहीं होंगी बिल्कुल भी। हाँ ठीक है बाय। बाय अंकल। ओ भाई साहब कितना मस्त चल रहा है हमारा ये धंधा। भाई साहब कुछ भी बोलो यार, ये गाड़ी से सही में मैं तो मोटे पैसे कमा पा रहा हूँ यार। सही में गाइस यार मेरे को बस कुछ और रुपए चाहिए फिर मेरे पास पूरे $1,00,000 हो जाएंगे। ओके चलो चलो। अरे अंकल अंकल। अबे कौन ही है? अरे अंकल रुको, अबे ये तो बच्चे छोटे छोटे हैं। अंकल हमारे लिए PlayStation 5 चलाओगे क्या? अंकल आपके टीवी के ऊपर PlayStation खेलना है, खेलने दोगे क्या? बदले में ये सारा पैसा देंगे हम आपको। अंकल खेलने दोगे क्या? हाँ क्यों नहीं तुम लोग खेलो, मैं आता हूँ जब तक मेरे को थोड़ा काम है। अंकल ठीक है ये लो।
पैसे। चलो गाइस यार, मेरे को यहाँ पर मेरे पैसे मिल चुके हैं और भाई साहब इन बच्चों को सिर्फ इसमें PS5 खेलना है। मैं अपनी गाड़ी यहीं पर ही खड़ी कर देता हूँ, घूम के आता हूँ। चलो यार, जब तक थोड़ी देर में। ए, खेल लिया क्या तुमने? अंकल हमने WWE खेला। WWE खेला? अंकल बहुत बुरा मारा मैंने इसको। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अंकल बाय बाय, जरूर आना फिर से, हम फिर खेलेंगे। हाँ ठीक है। गाइस यार देखो, इन बच्चे ने PS5 खेला इसके अंदर और भाई इन्होंने मेरे को कितने सारे पैसे दिए। मेरे पास पूरे $1,00,000 हो गए। चलो गाइस यार, हम लोग वापस आ चुके हैं। एक तो यार ये गाड़ी इतनी ज्यादा बड़ी है ना, इसके ऊपर इतना बड़ा टीवी लग रहा है, इसको घुमाने में दिक्कत होती है। अरे मैं वापस आ गया। वाओ, तुम फिर से वापस आ गए, पैसे लेके आए हो? हाँ मैं पैसे लेके आया हूँ अगली गाड़ी के लिए। शाबाश, तुम तो काफी कमाल के हो यार, तुमने इस पर कैसे पैसे कमाए? अरे तुम मेरे को ऐसी ऐसी गाड़ियां दे रहे हो जिससे मैं पैसे इजीली कमा पा रहा हूँ। चलो गाइस यार, मेरे को ये अगली गाड़ी मिल चुकी है, पर गाइस यार हमें चाहिए वो $100 मिलियन वाली गाड़ी। तो गाइस यार फिलहाल मेरे को मिली है ये बेंटले रेड कलर की। ओ माय गॉड, क्या सस्पेंशन इस गाड़ी का, मजा आ रहा है चलाने में से भी। लेट्स गो गाइस, देखते हैं इस वाली गाड़ी से हम लोग कैसे पैसे कमाएंगे, पर कैसे ना कैसे करके कमाने तो पड़ेंगे क्योंकि हमें वो $100 मिलियन वाली गाड़ी चाहिए किसी भी हाल में। लेट्स गो गाइस। अब तुम लोग बताओ इस गाड़ी का मैं क्या यूज में लूं जिससे हम लोग काफी अच्छे मोटे पैसे कमा पाए यार और हम लोग भी $100 मिलियन वाली गाड़ी ले सके। अबे ये गाड़ी में फोन कैसे रखा है यार? अरे भैया हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, मदद कीजिए। आया आया, एक सेकंड गाइस यार, यहाँ से किसी का फोन आया, बोला है कि जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। अरे भाई साहब आपने फोन मिलाया था क्या? अरे हाँ भैया, हमने ही फोन मिलाया था। क्या हो गया भाई? अरे भैया क्या बताए, कुछ गुंडों ने आके हमारे इतनी बड़ी पूरी की पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। हम आपको ये सारा पैसा देंगे अगर आप हमारी मदद करेंगे। पक्का मुझे सारा पैसा मिलेगा? हाँ भैया, ये पूरा $1 मिलियन है। ओके तो गाइस यार, मुझे ये पूरे $1 मिलियन मिलने वाले हैं अगर गाइस यार यहाँ पर ये जितने भी गुंडे उन सबको मैं मार देता हूँ। और इससे अच्छी बात क्या होगी गाइस यार, मेरे को ऐसा लग रहा है जो वो गाड़ी मेरे को मिली है ना, वो असल में किसी गैंगस्टर की गाड़ी है और उस गैंगस्टर के साथ बाकी काफी सारे लोगों के लिंक है और इसलिए मेरे पास ये फोन आ गया। गाइस यार मतलब यार करोड़ों का बिजनेस इस गाड़ी के साथ। तो चलो गाइस यार देखते हैं, मेरे को अभी तक तो कोई गुंडा नजर नहीं आ रहा है। अबे कौन सा गुंडा है, कौन है यहाँ पर, इसकी ऐसी तैसी, कौन है यहाँ पर? उतरी अब इतने सारे, ओए मेरे पास मत आओ, तुम्हारी ऐसी ये ले तेरी ऐसी, कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, ये ले एक कम नहीं छोड़ूंगा। उतर गाइस, उसने बहुत बुरा मारा, तू हमारे पर हमला कर रहा है। ओए ये क्या? ओ भाई सब बच गया यार, नीचे नहीं गया, ऊपर से डायरेक्ट यहाँ आ गया। गाइस यार इन सबको मारना पड़ेगा, एक को भी भगने नहीं देना मेरे को, वरना ये लोग वापस आ जाएंगे और मेरे को मेरा पैसा नहीं मिलेगा। अबे हटे ना। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मैंने सबको मार डाला, अभी कुछ और बंदे उनको ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना। अगर एक भी मैंने जिंदा छोड़ दिया ना तो भाई मेरे को वो पैसे नहीं मिलेंगे और फिर तुम्हारा भाई $100 मिलियन वाली गाड़ी नहीं ले पाएगा, इसलिए मेरे को सबको मारना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ कर मारना होगा। गाइस यार आप लोग जो मैप में रेड रेड डॉट देख रहे हो छोटे छोटे साइड में कॉर्नर में, देखो असल में वहां वहां वो बंदे भग चुके हैं, मतलब मेरे को इनको ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा। एक सेकंड, एक कोई वहां पर भग रहा है साइमन की दुकान की उस तरफ, दिखाया गया तुम्हें कोई? ओ वो जा रहे, इनकी ऐसी तैसी, इनको भगने नहीं दूंगा मैं, एकदम निशाना लगा के ये ले एक को भी नहीं जाने दूंगा। चलो गाइस यार अब एक उस साइड है कहीं पर, अब वो भग रहा, ये ले अबे भाई इतनी दूर है ना, निशाना लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बहुत दूर हो गया वो तो, अबे रुक जा, घनी दूर हो गया तो क्या दिक्कत है, मेरे पास मेरी स्नाइपर है ना। ओहो शीता हेडशॉट, दोनों गए, सिर्फ एक बंदा बचा है अब, वो है असल में इस बड़ी वाली बिल्डिंग के अंदर। यहाँ से दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है यार, वो कहीं अंदर छुप के बैठा होगा डर की मारी, क्योंकि यार तुम्हारा भाई जो आ गया है। चलो गाइस यार ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसको नहीं पता कहां तक ढूंढूंगा मैं, पर कोई बात नहीं। ओ आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा, बस आप अपना टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, पैसा तैयार रखिए मेरा, ठीक है? ओके भाई, वो है कहां पर, दिख रहा है कि कहीं पर तुम्हें? ओए चोर लुटेरे गुंडे वुंडे कौन है तू, बाहर निकल। गाइस यार वो इस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में भग गया, अब इसको यहां ढूंढना पड़ेगा, कहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? अबे कहां चला गया यार, एक तो भग बहुत ज्यादा रहे, ओ बुरा अब बच गया यार, बार बार नीचे आ गया वो। रुक जा बेटे, इस बार तो तू बचने वाला नहीं है, कहीं भी भग ले चाहे तू। ये जा रहा, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, ये ले। गाइस यार लास्ट बंदा बचा था हमने, इसको भी मार डाला। चलो अब जल्दी जाके अपने पैसे लेते हैं पूरे $1 मिलियन। चलो गाइस यार, ओए आ गया बस मैं आ गया। अरे भाई साहब मैंने सारे गुंडों को मार डाला, तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी को मैंने खुलवा दिया मतलब यार फ्री करा दिया। अरे भैया आपका शुक्रिया, आपकी वजह से हमारी पूरी बिल्डिंग सेफ है, आप भगवान हो। अबे भगवान नहीं हूँ मैं, तो सिर्फ एक सीरियल किलर हूँ जिसका भी मुझे जब पता लगा था मेरे को ये गाड़ी मिली। अरे भैया आप हमारे लिए बहुत कुछ है, आपने हमारे करोड़ों का कारोबार बचा लिया। कारोबार होता है पहली बात वो। ओके तो गाइस यार यहाँ से जल्दी से अपने $1 मिलियन लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो गाइस यार मुझे यहाँ पर मिल चुके अपने पूरे $1 मिलियन, अब जल्दी से चलते हैं यार और जाके देखते हैं कि मुझे इस बार $1 मिलियन
में कौन सी गाड़ी मिलने वाली है और सोच यार उस गाड़ी के अंदर मुझे क्या मिलेगा जिससे मैं पैसे कमा पाऊंगा, वो सोच के तो मैं अल्ट्रा एक्साइटेड हो रहा हूँ यार। चलो यार चलते हैं जल्दी से यार, इस वाली गाड़ी से इसने मोटी कमाई की है, उस वाली गाड़ी से पता नहीं कितने करोड़ों की कमाई करूंगा यार मैं, सोच सोच के मेरे पेट में गुलगुलिया हो रही है। बस अब जल्दी से पहुंचते हैं और जाके देखते हैं इस बार हमें कौन सी गाड़ी मिलने वाली है $1 मिलियन में, मजा आने वाला है गाइस यार। चलो यार हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और पता नहीं किसने पागल ने बोला था कि यहाँ पर लगा यार गाड़ी भी अंदर नहीं आती यार बिल्कुल भी। अरे भाई मैं वापस आ गया। अरे बढ़िया है तुम वापस आ गए, क्या $1 मिलियन लेके आए हो? हाँ $1 मिलियन लेके आया हूँ पूरे कैश में। अरे कैश में, इतना पैसा तुम कहाँ से ला रहे हो? अब मैं कहीं से भी लाऊं यार, ये गाड़ियां नहीं गाड़ियां कम नहीं है भाई, इन गाड़ियों के अंदर एक पूरा बिजनेस घूम रहा है। अच्छा अच्छा अच्छी बात है, चलो ले लो तुम्हारी अगली $1 मिलियन की गाड़ी। वो तो मैं ले लूंगा ऑफकोर्स, रुपया दे रहा हूँ तो। ओके तो गाइस यार मेरे को इस बार मिल गया ये है $1 मिलियन की गाड़ी। अबे एक सेकंड, इस वाली गाड़ी के ऊपर टॉयलेट लगा हुआ है यार, एक $1 मिलियन की गाड़ी के ऊपर टॉयलेट लगा हुआ है। आखिर यार इससे मैं कैसे पैसे कमाऊंगा यार, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, इतनी लग्जरी गाड़ी के ऊपर टॉयलेट लगा हुआ है एक सुपर कार के ऊपर। अब भाई मेरे को सेमी कंफ्यूज हो रहा है, आखिर यार मैं इस गाड़ी से कैसे पैसे कमाऊंगा यार, कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई, कोई तो तरीका होगा इसका, कोई तो तरीका होगा इस गाड़ी से भी पैसे कमाने के। चलो यार ढूंढते कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। गाइस यार मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं इस गाड़ी से पैसे कैसे कमाने। अबे एक सेकंड, किसी का फोन आ रहा है। हेलो भैया। हां क्या? अरे भैया जल्दी से यहां पर आ जाओ बीच पर, मेरे को बहुत टट्टी लग रही है, अगर तुम मेरे को अपनी गाड़ी में टट्टी करने दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जल्दी आ जाओ। गाइस यार ये क्या, इस गाड़ी के अंदर बैठती मेरे पास, अब ये कैसे कैसे फोन आने लग गए, कोई आदमी मेरे को बुला रहा है, मेरे को जल्दी वहां पर जाना होगा, उसको बहुत तेज टट्टी लग रही है और वो मेरी गाड़ी के ऊपर टट्टी करना चाहता है। चलो गाइस यार हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके। अरे भैया यहीं पर। तू नहीं बोला था क्या? अरे भैया यहाँ पर कहीं आस पास में टॉयलेट नहीं है इसलिए मैंने तुम्हारे पास फोन मिलाया। अच्छा। अरे भैया हम तुमको पैसे देंगे इसका बदला में, बस हमें जल्दी से हल्का होने दो। पैसे देगा कितने? भैया पूरे $1 मिलियन दूंगा। भाई तू कितना अमीर आदमी है ऐसा? अरे मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ इसलिए मैं तेरे को पूरा $1 मिलियन दूंगा फ्रेश होने के लिए। ठीक है ठीक है, यूज कर सकता है। अरे भैया शुक्रिया तेरा। अरे भैया बहुत दर्द प्रेशर आ रहा है, जल्दी से फ्रेश हो लेता हूँ। अरे भैया क्या गाड़ी है कमाल की। अब क्या कर रहा है, उसको चाट रहा है क्या? अरे भैया रुक जाओ यार, पोजीशन बना रहा हूँ फायरिंग के लिए। अबे यार ये कितना अजीब आदमी है। वाह भैया बस अब फ्रेश हो लेते जल्दी से। अरे भैया हो गया हम तो फ्रेश। अबे क्या यार कितना अजीब आदमी से ही। अरे भैया ये लो तुम्हारे $1 मिलियन। अबे तूने फ्रेश तो हुआ भी नहीं है। अरे भैया क्या पेंट कार के फ्रेश होते हैं? अबे यार पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कोई बात नहीं, चलो गाइस यार मुझे मेरे $1 मिलियन मिल चुके हैं। अच्छा गाइस यार मुझे समझ में आ चुका है आखिर इस गाड़ी का क्या काम है। यार जो करोड़पति लोग होते हैं ना वो कई बार ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ पर टॉयलेट नहीं होता, और ये गाड़ी असल में एक लग्जरी गाड़ी है यार। और गाइस यार जो अमीर लोग होते हैं ना वो लग्जरी जगह पर ही फ्रेश होते होंगे, इसलिए ये गाड़ी के ऊपर फ्रेश होने के मेरे को इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ओके तो गाइस यार अभी हम लोग किसी और को ढूंढ रहे हैं। लो फिर से फोन आ गया। अरे हेलो। हाँ कौन भाई? अरे भैया आना जल्दी, बहुत तेज आ रहा है। अच्छा आ रहा हूँ कहाँ पर? अरे भैया बस थोड़ा सा ही। अरे आ रहा हूँ यार, रुको 2 मिनट रुको, बस तुम पहुँच रहे हो लोकेशन दे दो मेरे को। हाँ भैया लोकेशन पहुँचा दी तुम्हारे पास। गाइस यार पता नहीं ऐसा लगता कोई बूढ़ा आदमी है, बड़े अजीब तरीके से बात कर रहा है। बस हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं, यहाँ पर ही आ रही है लोकेशन। अरे 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 अंदर जाने का रास्ता तो है ना? हाँ चलो गाइस यार अंदर जाने का रास्ता भी है यहाँ पर। हाँ कौन है, किसने बुलाया मेरे को? अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, कोई है क्या? हेलो कोई है क्या यहाँ पर? गाइस यार कहाँ से आ रही है लोकेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, फोन तो यहीं से आया। उतर के देखता हूँ यार, यहीं कहीं पर पक्का कोई ना कोई आदमी होना तो चाहिए, लोकेशन तो यहीं से आ रही है। कौन है भाई यहाँ पर? अरे भैया आ गए क्या तुम? अरे आ गया, कहाँ हो तुम भाई? अरे मैं यहाँ पर हूँ। अब कहाँ पर? अरे ये रहा मैं। अबे ये तो एक बच्चा है यार, अबे तेरी आवाज कैसी है बच्चे? अरे मेरी ऐसी आवाज है? अबे तू तो स्कूल में भी टॉयलेट कर सकता था। अरे नहीं मेरे को शर्म आती है टॉयलेट करने में, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना। अच्छा मैं, मेरे पापा बहुत बड़े करोड़पति है इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया कि मेरे को कोई दूसरा टॉयलेट करते हुए ना देख ले, मुझे बहुत शर्म आती है। अच्छा अच्छा भाई अलग अलग चोचले इन लोगों के। हाँ भैया शुक्रिया तुमने अपना टॉयलेट यूज करने दिया हमको, ये रहे आपके पैसे, मैं चला यहाँ से। गाइस यार सही में एक बच्चा यार जिसकी आवाज देख रहे हो कितनी अजीब थी, तुम लोगों ने सुन लिया होगा ना। और यार उस बंदे ने मेरे को इतने सारे पैसे दिए वो भी सिर्फ एक टॉयलेट यूज करने के लिए। ओ माय गॉड यार लोगों के पास सही में अंधा पैसा यार, कैसे कैसे कामों के लिए कैसी कैसी चीजें मंगाते हैं यार, वो भी इतना पैसा दे देते हैं। कोई बात नहीं यार मुझे तो मेरे पैसे मिल रहे हैं और उससे अच्छी बात मेरे लिए क्या होने वाली है। तो गाइस यार अभी हम लोग वापस आ चुके हैं और भाई सब तुम लोगों को क्या ही बताऊं, पूरे $5 मिलियन कमाए हमने। ओए एक सेकंड ये कौन है? अबे टोनी तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं असल में यहाँ पर गाड़ी खरीदने आया हूँ। अबे कैसी गाड़ी?
अरे तुम्हें क्या पता है सबसे महंगी गाड़ी। ओए ये थोड़ी, ये तो चीटिंग हो गई ना। अरे तुम टेंशन मत लो, हम किसी को गाड़ी वाड़ी नहीं देने वाले। अरे मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना गाड़ी के, वो गाड़ी मुझे चाहिए किसी भी हाल में। नहीं, अगर तुम्हें सबसे महंगी वाली गाड़ी चाहिए तो तुम्हें एक रैंप चैलेंज करना होगा। बिना रैंप चैलेंज के हम वो गाड़ी किसी को भी नहीं देंगे। चलो यार ये अच्छी बात हो गई। अरे मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना उस चीज की। नहीं, रैंप चैलेंज करो तो ही मिलेगी। ओके तो गाइस यार, यहाँ पर जो टोनी है ना वो सबसे महंगी वाली गाड़ी खरीदने आया था, और तुम्हें पता है वो सबसे महंगी वाली गाड़ी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। और गाइस यार टोनी पूरे $100 मिलियन दे के उसे एक बार में खरीदना चाहता था, पर गाइस यार वो नहीं खरीद पाया, क्योंकि गाइस यार उस गाड़ी को खरीदने के लिए एक रैंप चैलेंज करना होगा, और वो रैंप चैलेंज जब तक कोई पूरा नहीं करेगा उसको वो $100 मिलियन वाली गाड़ी नहीं मिलेगी। तो गाइस यार फिलहाल मेरे को ये मिल चुके $5 मिलियन की गाड़ी, और ये गाड़ी देखो कितनी कमाल की है। और तेरी जय, अबे गाड़ी है क्या है, कितनी पावर इस गाड़ी के अंदर, और क्या उछलती है भाई ये गाड़ी, देख रहे हो। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैंप चैलेंज के अंदर। आज के रैंप चैलेंज में जो कोई भी जीतेगा उसे हम लोग देने वाले हैं $100 मिलियन की गाड़ी। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ हम सभी लोग तैयार हैं। हाँ मैं तो हमेशा से ही तैयार हूँ, मुझे वो $100 मिलियन वाली गाड़ी चाहिए। हाँ तो नाचो नाचो, बाय लेट्स पार्टी। बस तुम लोग देखते जाना कि मैं कैसे जीतने वाला हूँ। अबे टोनी तू नहीं जीतने वाला, बस तू देखता जा सुमित के बच्चे, चाहे मेरे पास पैसे कितने हो पर इस गाड़ी को जीतने के लिए मुझे रैंप चैलेंज करना होगा, और मैं जीत के भी दिखाऊंगा। ओके तो गाइस यार पहली बात, जो ये गाड़ी है ना यार ये पूरा झोटा है, देख रहे हो यार, अबे कैसे चला रहे गाड़ी। अरे तुम देखते जाओ उसमें, तुम्हें क्या पता कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। अब भाई यार तुम मेरे को सिखाएगा यार, ओए बिल्ली नंदा के बच्चे अपने घर पर जाना। गाइस यार ये तो ऐसे पूरा कंप्लीट ही कर देगा। अरे वो तो मैं कर नहीं वाला हूँ। गाइस यार इस गाड़ी का व्हील बेस देखो तुम लोग, कितना चौड़ा है यार, देख रहे हो कितना चौड़ा व्हील बेस है इस गाड़ी का। और यार ये टोनी देखो कैसे इसको पार करे जा रहा है यार, कितने आराम से। अरे क्या डर गए क्या सुमित तुम, अबे डरू वरू तो मैं कहीं से भी ना। ओ भाई यार एक तो ये गाड़ी कितनी ज्यादा मस्त है यार, सही मैंने इतनी सारी गाड़ियां देखी अपनी लाइफ में, पर ये वाली गाड़ी भी कम नहीं है यार, देख रहे हो पूरा पूरा मॉन्स्टर ट्रक है खतरनाक वाला। और ये देखो, ओ भाई यार क्या तो पावर इस गाड़ी के अंदर से भी खतरनाक वाली। अरे सुमित बस तुम देखते जाना गाइस यार, इसको कैसे ना कैसे करके आप लोगों को हराना होगा, अगर ये जीत गया ना तो तुम्हारा भाई हार जाएगा, समझ रहे हो ना। और तुम्हारे भाई को चाहिए वो $100 मिलियन वाली गाड़ी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने कितनी मेहनत की उस गाड़ी को पाने के लिए, और अगर ये यहाँ पर आके उसे जीत लेता है तो तुम्हारे भाई का क्या होगा, समझ रहे हो ना, बहुत गंदा हो जाएगा तुम्हारे भाई के साथ। बस इसको हरा दो यार कैसे ना कैसे करके, नीचे गिर जाना। अबे तुम्हें इतनी दिक्कत है, तुम क्यों नहीं गिर जाते। अबे तेरी ऐसे ऐसे तू मेरे बीच का कांटा है। अरे तुम मेरे बीच के कांटे हो। अरे यार तू मेरी कॉपी क्यों कर रहा है, तू मेरी कॉपी क्यों कर रहा है। ए चुप रह यार, ये मेरा दिमाग खा रहा है। अरे यार इसको नीचे गिराओ यार, ये तो असल में बर्गर वाले स्टेज पर भी पहुंच चुका है, देख रहे हो आप लोग। बस थोड़ा सा और आगे जाती यार ये रैंप चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। नहीं नहीं यार इसको कैसे करके नीचे गिराओ यार कोई तो। अरे नहीं गिरने वाला मैं। अबे यार गिरा दो इसको कोई तो नीचे यार, ये तो जीत जाएगा ऐसे। गाइस यार ये तो आगे बढ़ते ही जा रहा है, तुम ही लोग कुछ कर सकते हो, जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो यार लूज जिससे हारते। और ये क्या हो रहा है भाई, अरे ये क्या हो रहा है, ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही है। अबे गाइस यार मेरे को चक्कर आ रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं, अबे कहां फंस गया ये। अरे ये क्या, ये गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही। गाइस यार ये क्या हो रहा है यार, अरे 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 अरे। और ये फाइनली भाई साहब यहाँ पर भाई जा टोनी है वो नीचे गिर चुका और ये हो चुका है डिस्क्वालीफाई। तो गाइस यार अब है तुम्हारे भाई की बारी, और तुम्हारा भाई चलाएगा बिल्कुल सॉलिड तरीके से इस गाड़ी को, जिससे तुम्हारा भाई जीत जाएगा। ओके तो गाइस यार यहाँ पर हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, कॉकपिट है भाई पूरा, गाड़ी क्या कॉकपिट है देख रहे हो क्या है अंदर से, बिल्कुल भाई माल है, बिल्कुल खतरनाक टैंक है। और गाइस यार मुझे इसे स्पीड में कंप्लीट करना है, मेरे को भाई लूजर की तरह धीरे धीरे चलाने गाड़ी, मुझे एक प्रो लेवल की तरफ भाई कंप्लीट करनी है सब कुछ। ओके आराम आराम से एक बार, नहीं 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 नहीं, अरे यार इतनी ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी, अभी बच गया नीचे जाता सीधा। ओके सीधा करके ए बस बस रुक जाओ, अरे यार क्या कर रहा हूं यार मैं, अच्छे से गाड़ी क्यों नहीं बैठा पा रहा हूं इसको, ये पर मेरे को अच्छे से बैठाना पड़ेगा। हां एकदम सही चढ़ गई बस परफेक्ट, आराम आराम से लेके जाना पड़ेगा यार यहाँ से, अगर स्पीड लगाई ना बिल्कुल भी तो हम नीचे जा सकते हैं। ओके ओके बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, नाइस, अब बस फुल स्पीड में ये हम लोग चले। ओ बेटे नाइस गाइस, यार हमने यार टोनी से तो काफी जल्दी कर दिया, टोनी तो बहुत धीरे धीरे कर रहा था यार,
और ये हम लोग चले फुल स्पीड में 200 किलोमीटर प्रति घंटे और 250 और 300। ओए 300 से जीरो हो गई बिल्कुल यार। ये स्पीड ब्रेकर से पता नहीं क्या यार, कुछ भी बोलो गाइस यार ये गाड़ी है तो खतरनाक। ओए 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 चलो डायरेक्ट अंदर गाइस। यार मजा आ रहा है यार इस गाड़ी को चलाने में बहुत ज्यादा। और सोचो 100 मिलियन डॉलर वाली कैसी होगी ये इतनी मस्त चलाने में। गाइस यार बस अब इन बम से बच के, नाइस गाइस यार ये राउंड एंड राउंड बम है ना, इनसे बच के रहो वरना फूट जाएंगे यहाँ पे। ओके नाइस, अभी हम लोग आज के बर्गर वाली स्टेज पे। और यार यहाँ से थोड़ी आगे यार टोनी डिस्क्वालीफाई हुआ था, मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्क्वालीफाई नहीं होना है जैसे यहाँ पर टोनी हुआ था। बस आराम आराम से यहाँ से स्पीड में लेना है, क्योंकि यार जो ये आ रहा है ये लट्ठा सा बीच में यार, ये रोलिंग रोलिंग के बीच में यार ये नीचे गिरा देता है जैसे टोनी को गिराया था। ओके तो भाई साहब बस थोड़ा सा और हम लोग जीत जाएंगे। आराम से बस तेजी नहीं करनी, अगर तेजी की ना तो तुम्हारा भाई भी यहाँ पर नीचे गिर सकता है जैसे टोनी गिरा था। बस अभी ये क्या है यार, अभी बर्गर है क्या है, अभी ये तो असल में वो है डोरिटोज। हाँ ये डोरिटोज है। अरे बच गया, और बच गया, और ये बस थोड़ा सा और पहुंचने वाले है, और ये मारी जंप, ओ पहुंच गया गोल सीधा। तो गाइस यार लो हम लोग फाइनली जीत चुके हैं। सही में भाई साहब कितना खतरनाक रैंप चैलेंज था यार, मेरी तो बैंड ही बच गई थी, पर कोई बात नहीं फाइनली हम लोग जीत चुके हैं गाइस। लो बैठे हम लोग। और ओए एक सेकंड, ये क्या पूरी गाड़ी डायमंड की बनी हुई है? हाँ यार ये असल में फरारी है, और वो भी पूरी डायमंड की बनी हुई। ओ माय गॉड। तो गाइस यार हम लोग फाइनली जीत चुके हैं, और मुझे मिल चुकी है पूरी 100 मिलियन डॉलर की गाड़ी, वो है ये फरारी जो डायमंड से बनी हुई है। यार कितनी ज्यादा कमाल की यार ये गाड़ी सही भाई साहब। यार देख रहे हो मैं इस गाड़ी को जब रोड पे चला रहा हूं ना, कोई रोड पे नहीं चल रहा है, क्योंकि यार इस गाड़ी के आगे कोई दूसरी गाड़ी नहीं चल सकती, क्योंकि यार ये असल में 100 मिलियन डॉलर की गाड़ी है। ओ शिट, मैंने 100 मिलियन डॉलर की गाड़ी पलटा दी भाई, मैं कितना बड़ा पागल हूं। तो गाइस यार आज के बस इतना ही। आई होप आपको आज अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले बैठ गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे उसको नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। जब तक ले सायोनारा।